वेलकम टू दिस एपिसोड ऑफ द इन्फ्लुएंसर टॉक्स। आज का ये हमारा एपिसोड एक बहुत ही खास एपिसोड है, क्योंकि इसमें हमारे साथ एक मेहमान नहीं बल्कि दो मेहमान हैं, और वो दोनों ही बहुत ही टैलेंटेड और एक्सट्रीमली सक्सेसफुल सिंगर्स हैं, क्लासिकल सिंगर्स एंड वेस्टर्न सिंगर। और ये दोनों बाप और बेटे हैं, प्रदीप पंडित और कुणाल पंडित। प्रदीप पंडित एक क्लासिकल सिंगर हैं जो सूफियाना गाने और गजलें गाते हैं। इनकी ट्रेनिंग इन्हीं के पिताजी शंभू महाराज जी ने की, जो एक खुद बहुत बड़े क्लासिकल सिंगर रह चुके हैं। प्रदीप अपनी गजल और सूफियाना गीतों के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने कई फिल्मों में प्लेबैक सिंगिंग की है, हजारों स्टेज शोज किए हैं और वो कुछ सीरियल्स में भी अपनी आवाजें दे चुके हैं। इसके अलावा कई रियलिटी शोज में वो मेंटर भी रह चुके हैं। कुणाल पंडित, उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। क्लासिकल सिंगिंग में उनकी ट्रेनिंग उनके पिता प्रदीप पंडित ने ही की है, लेकिन इसके अलावा उन्होंने बहुत से रियलिटी शोज में हिस्सा लिया है। उनकी पहचान बनी 2012 से सारेगामा पास के उनके पार्टिसिपेशन से। उसके बाद 2018 में वो इंडियन आइडल के भी पार्टिसिपेंट रह चुके हैं। पिछले कुछ अरसे में उन्होंने वेस्टर्न और जैज म्यूजिक की भी ट्रेनिंग ली है। वो एक निपुण तबला वादक भी हैं। तो आइए मिलते हैं इस बाप और बेटे की जोड़ी से, जो अपना बहुत नाम कमा चुके हैं और बहुत आगे बढ़ने की अभी भी इच्छा रखते हैं। शुमार है कोई भला जरा जरा सी बात का, बरसात का बादल तो दीवाना है क्या। प्रदीप पंडित जी और कुणाल, आप दोनों का द इन्फ्लुएंसर टॉक्स में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत शुक्रिया अतुल जी, थैंक यू सो मच, प्लेजर बीइंग हियर सर, लुकिंग फॉरवर्ड फॉर इट। थैंक यू, थैंक यू। और प्रदीप जी, मैं शुरुआत आपसे करूंगा कि आपने क्लासिकल म्यूजिक की जो ट्रेनिंग है वो अपने वालिद से ली, पंडित शंभू जी से, और उसके बाद आपने अपना कैरियर शुरू किया, तो थोड़ा सा हमें अपने शुरुआती दिनों के बारे में बताइए, जब आप ने किया, कब से आपने शुरू किया गायन और किस। जी मैं सॉरी इसलिए हंस दिया, अक्सर इंटरव्यू मैंने देखा कि मैं बचपन से गाता हूँ, या मैं बचपन से गाती हूँ। हाँ। मैं बचपन से गाता हूँ, मैं बचपन से गाती हूँ, हमेशा अक्सर मैंने सुना है। जी जी जी। लेकिन ऐसा है कि जो बड़ा सौभाग्य की बात है कि मैंने एक म्यूजिक फैमिली में ही जन्म लिया जी। और शंकर शंभू जी वॉज माई फादर जी। तो इन दोनों भाइयों की जोड़ी थी, शंकर जी की शंभू जी की जी। सूफियाना कलाम इन्होंने गाया, बाकायदा क्लासिकल सीखने के बाद इन्होंने सूफी गायकी की तरफ अपना रुख किया। और फिर बाद में शंभू जी के हम पांच बेटे हैं, तो अच्छा। पिताजी ने सभी को तालीम दी जी। बड़ा अच्छा सिखाया, और क्योंकि क्लासिकल एक फाउंडेशन है, फिर उसके बाद आपको क्या गाना है जी, लाइट गाना है, रॉक गाना है, फिल्मी गाना है, वो थोड़ा सा एक आसान हो जाता है। अब शुरुआत ऐसी रही कि कहीं प्रोग्राम कर रहे हैं, कहीं रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, रेडियो ऑडिशन दे रहे हैं, लाइव शोज कर रहे हैं। फिर पिताजी चाहते थे कि बेटे आप संगीत की सेवा भी करो जी। तो मैं इतना बड़ा गुरु नहीं हूँ, लेकिन गुरुओं का दिया वो बहुत कुछ है, जिसमें अलग अलग शैलियां, जैसे क्लासिकल में क्लासिकल ठुमरी टप्पा दादरा जी, बहुत सारी उसमें भी ये ध्रुपद ये वो ये अच्छे कलेक्शन है बुजुर्गों के जी। फिर उसके अलावा मेरा गजल की तरफ बहुत इंटरेस्ट रहा, क्योंकि एक अदब की जबान है, गायकी भी इसमें अच्छी है जी। और सूफियाना क्योंकि पिताजी गाते थे शंकर जी शंभू जी, तो उसको भी अपनाया हमने जी। और उसमें उसकी इबादत भी है, अल्लाह का नाम भी, ईश्वर का नाम भी। तो बस ये सब करता गया मैं, कुछ फिल्मों में गाया, कहीं एज ए मेंटोर भी मैंने काफी रियलिटी शोज किए जी।
मैं बताऊंगा बाद में। तो बस ये सब एक्सपीरियंस चल रहा है जी, और जी, एक अच्छा खूबसूरत समंदर है जी, जो संगीत है। और उस्तादों ने फरमाया कि ये काम कभी खत्म नहीं होता, जिंदगी खत्म हो जाती है सीखने में। बिल्कुल बिल्कुल। प्रदीप जी एक चीज बताइए, माशाल्लाह आपके बेटे अच्छा कर रहे हैं बहुत कई सालों से, और तो आज आपको कैसा लग रहा है कि आज आप भी इंटरव्यू देने अपने बेटे के साथ बैठे हैं? गूज़बम्स हो रहे हैं। और सबसे पहले मैं अतुल माथुर जी आपको शुक्रिया कहना चाहूंगा कि हम दोनों मतलब काफी सालों से ये अपने शोज कर रहे हैं। सारेगामा पाके पहले मेरे साथ कुणाल शोज में जाता था, राइट, मैं इनको थोड़ा सिखाता था ग्रूमिंग, एक सीखने के बाद प्रैक्टिकली आपको क्या गाना है स्टेज पे। तो ये तो मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, और इससे अच्छी क्या बात हो सकती है। शायद वर्ड्स नहीं मेरे पास। कुणाल जी, आपने भी शुरू में तालीम अपने वालिद से ही ली, और मैं जहां तक मैंने आपके बारे में सुना है पढ़ा है, आप भी बचपन से ही क्लासिकल सीखते रहे, और उसके बाद आपने पिछले कुछ सालों में वेस्टर्न या जैज सीखा, लेकिन शुरुआत आपकी हुई सारेगामा पा से, जहां आपकी पॉपुलैरिटी पिकअप हुई। तो सारेगामा पा कैसे हुआ आप, हाउ डिड इट हैपन? सबसे पहले तो सर मतलब मैं ये कहना चाहूंगा, मेरे अंदर जितना म्यूजिक है जी, या जितनी म्यूजिक की समझ है जी, या जो कुछ भी, ऑब्वियसली ऑफ कोर्स मेरे पिताजी का दिया हुआ है जेनेटिकली। आई एम रियली लकी टू बी बॉर्न इन सच अ फैमिली जहां म्यूजिक खून में दौड़ रहा है। और उसके बाद फिर बचपन से ही पापा ने बहुत ज्यादा मेहनत की है उसमें, मुझे ऐसा लगता है। एक बच्चे को सिखाना, और खासतौर से मेरे जैसे बच्चे को सिखाना, मैं बचपन से थोड़ा ज्यादा एंक्शियसली एक्टिव था, कुछ कर रहा हूँ कभी कुछ कर रहा हूँ। तो 5 साल की उम्र से मुझे हारमोनियम सिखाया डैडी ने, 5 साल की उम्र से मेरी संगीत की ट्रेनिंग, 4 साल की उम्र से स्टार्ट हो गई थी जी। फिर मुझे दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स में डाला, मुझे तबला सिखवाया, मुझे हारमोनियम, ऑब्वियसली हारमोनियम उन्होंने सिखाया है, हारमोनियम और गाना, और धीरे धीरे इवॉल्व होता गया। और सबसे पहले तो मुझे इतनी फ्रीडम दी मेरे डैडी ने, मेरे पापा ने मुझे इतनी ज्यादा म्यूजिकली और हर चीज में इतनी फ्रीडम दी। तो मैं सबसे पहले तो बहुत लकी हूँ कि मैं बॉर्न हूँ, और मतलब मेरे अंदर जो भी है वो उन्हीं का है ऑब्वियसली ऑफ कोर्स। मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, पहले शुरुआती दौर में तबले का बहुत शौक था इसको, और वो गाना चलता था मेरी सांसों में बसा है, बड़ा खूबसूरत सॉन्ग। तो ये कभी मेरे सर पे कभी ऐसे कवर पे यहाँ पे तबला बजाता था, तो उसको तबले का बहुत मैं बहुत छोटा था तो मैंने पहले थोड़ी तबले की विधिवत तालीम दिलवाई। मृदंग महाराज जी हैं, मृदंग राज जी, उनसे बहुत, क्योंकि जिन जिन गुरुओं से सीखे उनका नाम लेना बहुत जरूरी है और मौका भी आया। फिर कुछ वक्त के बाद उन्होंने कहा कि मुझे सिंगिंग करना है, तो मैंने कहा कि बेटे मैं भी चाहता हूँ आप सिंगिंग करो, क्योंकि जबरदस्ती आपको मैं तबले से इसमें नहीं लाना चाहता। फिर मैं जैसे तानपुरा लेना, फिर सुर साधना करना, फिर गायकी के छोटे 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 अंग हैं, किन सुरों को कैसे रुकना है, क्या वादी है, संवादी है, क्या राग है, सुबह के राग हैं, शाम के राग हैं। तो फिर इसने गाने का भी बहुत बहुत रियाज किया, और मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा लकी रहा हूँ मैं कि मेरे मेरे कान में बचपन से संगीत ही पढ़ रहा था, और बचपन से उसी माहौल में था, तो रियाज। और फिर 14 साल की उम्र में मैंने, जैसे कि अभी डैडी ने बताया कि वो जर्नी बहुत ही ज्यादा बढ़िया रही। उस जर्नी से मेरी एक एज अ सिंगर मेरी जर्नी स्टार्ट हुई उस शो से, उस स्पेसिफिक शो से। और एक और खास बात कहना चाहूंगा कि मैंने कहा कि वैसे तो मैं जो संगीत के जितने भी लोग हैं उन सबको मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, मगर उनकी ज्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ कि जो कुछ वाद्य बजाना भी जानते हैं, जैसे सारंगी, जैसे सितार, या जैसे कीबोर्ड या पियानो कह लीजिए। तो फिर मैंने कुणाल को 2 अलग-अलग लोगों के पास पियानो सीखने के लिए भी भेजा, और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। एक तो रेमंड सर हैं और दूसरे जेवियर फर्नांडिस साहब, तो उनकी भी इंडस्ट्री में 90% से ज्यादा डिसाइपल्स हैं, बहुत बड़े बड़े, मैं भी ज्यादा डिटेल नहीं जाऊंगा। तो
वो इसने मेरी म्यूजिक में सारी सारी मतलब जो मैं चाहता हूँ चाहता था इसने वो सब किया। कुणाल एक चीज बताइए मुझे कि आपने क्लासिकल सीखा, वैसे कहते ये हैं कि संगीत की कोई भाषा नहीं होती, आप कुछ भी सुनिए आप लगाइए और समझ में आ जाता है, पाँव थिरकने लगते हैं। तो आपने क्लासिकल भी सीखा और आपने वेस्टर्न जैज भी सीखा, आसान कौन सा लगा आपको सीखने में? मैं तो यही कहना चाहूंगा कि इंडियन क्लासिकल आई थिंक एक ऐसा फाउंडेशन है कि जो इंसान एक बार इंडियन क्लासिकल बहुत अच्छा सीख ले या जितनी भी जितनी ज्यादा उसकी तालीम ले सके तो उसे आई थिंक वर्ल्ड म्यूजिक सीखना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। तो बिकॉज आई स्टार्टेड विद आई थिंक बिकॉज आई हैव स्टार्टेड विद इंडियन क्लासिकल, मेरी जर्नी में ऐसा रहा कि बिकॉज ऑफ इंडियन क्लासिकल आई स्टार्टेड टू एक्सप्लोर अदर जॉनर्स ऑफ म्यूजिक और फिर मुझे दूसरे जॉनर्स थोड़े आसान लगने लगे। बट जैसे जैज है, सो जैज को पहले इनिशियली जब मैं जब जैज म्यूजिक सुनने लगा सुनता था तो मैं बहुत एक्साइट होता था, मुझे उसके सुर बड़े अच्छे लगते थे जी। बट उसे भी मैं तभी ही कोड कर पाता था, जैज म्यूजिक को भी थ्रू इंडियन ही मैं कोड कर पाता था, मतलब उसको डीकोड कर पाता था। तो जी हाँ, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखना ज्यादा मुश्किल है आई थिंक, बट मेरे लिए क्लासिकल के कारण मैं वर्ल्ड म्यूजिक बहुत अच्छा जानने लगा। करेक्ट करेक्ट, बहुत ईजी होता है। बेसिकली जैज में या हिप हॉप या जिस तरह के जो म्यूजिक आ रहे हैं आजकल, उसमें जनरली लिरिक्स भी खुद अपने होते हैं, कंपोज भी खुद करते हैं शायद आप, राइट? जी जी सर, ऐसा आपने किया। तो ऐसे कोई हल्का सा कुछ गुनगुना के सुनाएंगे जो आपने खुद? बिल्कुल सर, अभी रिसेंटली मेरा एक ट्रैक रिलीज हुआ है, द सॉन्ग नेम इज तू जो कभी, तू जो कभी इज द ट्रैक, सो हियर इट गोस। तुझो कभी मिले कहीं दिल की बातें कह दूंगा, जैसा तूने चाहा मुझे वैसा ही बन के रह लूंगा, जैसे वो दिन थे वो रातें थी तेरी मेरी, जीना मैं फिर से वो चाहूं सब सुन तेरे, अकेला हूं दिल से भी हारा हूं तेरे जैसा, मैं बस तुम्हारा कर ले यकीन, तुझो कभी मिले कहीं दिल की बातें कह दूंगा, जैसा तूने चाहा मुझे वैसा ही रहके रहूंगा। प्रदीप जी, मैं ये जनरली कहा ये जाता है कि क्लासिकल जब हम बात करते हैं, I'm talking about the 100% क्लासिकल इंडियन म्यूजिक, उसमें रिदम इतना नहीं होता है, which is more into the वेस्टर्न म्यूजिक। तो हाउ मच डू यू एग्री के इन द सेंस के बीट है, रिदम है, वो वेस्टर्न में ज्यादा होता है rather than इंडियन क्लासिकल, डू यू एग्री विद दैट? नहीं, एक्चुअली ये एग्री वाली बात काफी हद तक सही भी है जी। मगर जैसे आपने सितार या सोलो वादन या क्लासिकल गायकी जिसको द्रुत लय कहते हैं, ये तबले के बोल जैसे तो ये भी एक द्रुत लय है, तो उसमें भी लय का काम है। मुझे ऐसा लगता है, सॉरी मैं इंटरप्ट कि क्लासिकल सर बहुत ज्यादा बड़ी चीज है। आई थिंक माय फादर बीइंग अ क्लासिकल सिंगर एंड बीइंग फ्रॉम अ क्लासिकल, उस पे आऊंगा जी, ही इज अ लिटिल मॉडेस्ट एंड ही कैन नॉट यू नो 100% से दैट नहीं क्लासिकल में ज्यादा है, बट क्लासिकल आई थिंक उसमें बड़ी कोई चीज नहीं है। नहीं, वो तो है। मैं एक्चुअली क्या है कि बात आपकी बात भी सही, हमारे यहाँ जो वाद्य है जी तबला जी। तो तबला जो इंडियन ड्रम भी कहते हैं उसको, राइट, तो राइट। उसमें भी साउंड है, उसमें भी है वो दरअसल यहाँ से, और उनका जो है वो ड्रम है और उनका चलन ही वो है वेस्टर्न का, गिटार फिर इलेक्ट्रिक गिटार फिर इसमें डिस्टॉर्शन साउंड, तो उनका जो साउंड थोड़ा लाउड भी है और रिदम वहाँ ज्यादा है। ये बात बिल्कुल सही है। नहीं बट रिदम, सॉरी रिदम ज्यादा है जैसे ड्रम वगैरह। हाँ बोलिए। बट मैं आई टुक द क्वेश्चन इन अ टोटली डिफरेंट वे। मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक में जो सबक है, जो क्लासिकल की जो तालीम है उसमें जो सबक है, उसमें जो लयकारी है, जो वेरिएशंस है, जितने तरह के बाज हैं, आई थिंक वेस्टर्न
रिदम में, वेस्टर्न रिदम की बात अगर करें तो उसमें उतना ज्यादा बाज नहीं है। आई थिंक आज की तारीख में मैक्सिमम वेस्टर्न ड्रामर्स इंडिया को इमिटेट कर रहे हैं, इंडिया से कर्नाटक क्लासिकल सीख रहे हैं, इंडिया से हिंदुस्तानी क्लासिकल, और उसको और भी एक्सपांड कर रहे हैं। आई थिंक दैट्स आपने बीट की बात कही ना, तो मैं इसको शॉर्ट में कहना चाहूंगा विद रिस्पेक्ट, क्योंकि हर मजहब, हर धर्म, हर खाने का जायका सब अलग अलग है और उसका अपनी ब्यूटी है। मेरा मकसद ये है कि इंडियन गायकी जो है, जैसे ओमकार या ओम का आप अभ्यास करते हैं या ओम सापे लगाते हैं जी, तो अच्छा जो हमारा म्यूजिक है वो आत्मा को बिल्कुल नचा देता है, रूह जो है रक्स करती है, सोलफुल। यस, और जो वेस्टर्न म्यूजिक है तो वहां पे है ना सर नहीं बल्कि पैर थिरकते हैं, तो वो आपकी बात का जवाब आपने शुरू में जो कहा वो दे दिया। लेकिन वहां का म्यूजिक भी कमाल का है, और मुझे ऐसा लगता है कि हमारे इंडस्ट्री में एक, मैं अलग इसको दिशा में ले जा रहा हूँ कुछ अलग जवाब, कि वो गिटार, वो ड्रम या वो चीजें नहीं आती तो हमारे म्यूजिक में वो एक चार चांद नहीं लगते। तो कईयों ने इनको भी यूज किया है जी, म्यूजिक वगैरह जी। बेसिकली अगर मैं आपसे दोनों एक सवाल में पूछता हूँ जिसका मुझे जवाब दोनों से चाहिए अलग अलग, Okay. और वो ये है कि आप पोटेंशियल किस में ज्यादा देखते हैं? पहले प्रदीप जी बताएंगे कि वेस्टर्न में आजकल पोटेंशियल ज्यादा है या क्लासिकल में ज्यादा है। क्लासिकल जब मैं बात करता हूं तो मैं उसमें बॉलीवुड म्यूजिक को शामिल कर लेता हूं, मतलब हार्डकोर क्लासिकल की बात नहीं कर रहा हूं, एक जनरल जो म्यूजिक है इंडियन म्यूजिक। तो किस में आज के जमाने में आप समझते हैं कि पोटेंशियल फ्यूचर के लिए ज्यादा है? नहीं, क्लासिकल ही, इसमें कोई दो राय नहीं है जी। मैं और डिटेल में बाद में बताऊंगा, आप बोलिए। आप पोटेंशियली सर, आई थिंक इंडियन क्लासिकल में ऑलरेडी बहुत ज्यादा पोटेंशियल एज एन बहुत ज्यादा वास्ट है। इंडियन क्लासिकल बहुत ही ज्यादा वास्ट है, बहुत बड़ा समुंदर है जी। जितना करें उतना कम है, बहुत ज्यादा पलटे हैं, बहुत ज्यादा राग्स हैं, बहुत तबले में बहुत ज्यादा सबक है, हर चीज में बहुत ज्यादा और रिचुअल है। मतलब मेरे हिसाब से इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सुबह के राग अलग, शाम के राग अलग होते हैं, बट वेस्टर्न म्यूजिक भी पोटेंशियली बहुत आगे है। उन्होंने बेसिकली बहुत ज्यादा जॉनर्स बनाए हैं मेरे हिसाब से, वर्ल्ड म्यूजिक या फिर वेस्टर्न म्यूजिक की बात करें तो उन्होंने जॉनर्स को बहुत ज्यादा इवॉल्व किया है। जैसे हमने जहाँ ज्यादा क्लासिकल और सेमी क्लासिकल और ज्यादा उसी चीज में हमें एक्सपांड किया इंडिया को, वैसे उन्होंने जैज हो गया या फिर हिप हॉप हो गया या R&B हो गया या ट्रैप हो गया या एफ्रो हो गया या लैटिन अमेरिकन म्यूजिक हो गया, तो उन लोगों ने बहुत ज्यादा जॉनर्स मिक्स कर करके एक अलग ब्लेंडिंग कर ब्लेंड करके एक अलग अलग वे में म्यूजिक को एक्सपांड किया है। और इंडियन वे में इंडिया थोड़ा अलग वे में एक्सपांड कर रहा है ऑलरेडी, लाइक वी आर ऑल्सो आज की तारीख में बहुत ज्यादा वेस्टर्न इन्फ्लुएंस है, एक्सपेरिमेंटेशन बहुत चल रहा है अभी इसके ऊपर। जी जी हाँ जी, और अब तो इंडिया भी बहुत ज्यादा वेस्टर्न की तरफ भी आ ही चुका है, लाइक इट इज ऑल, इट्स एवरीथिंग, वी हैव एवरीथिंग हियर, यहां सिम्फनी है, यहां पे हर एक वो चीज है। एंड नाउडेज वी आर डूइंग सो मेनी फ्यूजन, ऐसे म्यूजिक वगैरह बहुत हो रहे हैं। बिल्कुल फ्यूजन बहुत। कुणाल, 2018 में आपने इंडियन आइडल में पार्टिसिपेट किया जी सर, और उसके कुछ एक्सपीरियंस के बारे में बताइए हमें। आपके जजेस ने बहुत, मैं देख रहा था यूट्यूब पे आपके वीडियोस, बहुत अप्रिशिएट किया, तो कोई खास इंसिडेंस जो आपको याद हो उसका? आइडल में सर मेरे ख्याल से बहुत सारे काम पाक की बात करें शायद, मैं इंडियन आइडल की बात करूं। अच्छा सॉरी जी, आइडल में बहुत 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 सारे एक्सपीरियंसेस ऐसे हैं सर कि जो लाइफ चेंजिंग, बेसिकली इंडियन आइडल मेरे लिए एक लाइफ चेंजिंग शो था, जहां हम लोग, जहां मैं वही यहां से इस गली में जाता था तो ज्यादा लोग नहीं जानते थे क्योंकि आई वॉज नॉट ऑन एनी प्लेटफॉर्म, आई थिंक सारे गाँव में था, बट वो थोड़ा कम हो गया एक समय के बाद, बट आफ्टर आइडल आई थिंक लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हुई। और एक्सपीरियंसेस की बात करें तो सर मैं सच कहूँ तो हर एपिसोड वो जो मैंने वहाँ दिया है, दैट वाज ऑल टुगेदर, लाइक एवरी एपिसोड हैड डिफरेंट एक्सपीरियंसेस। कहीं लाइक इमोशन वाइज बात करें तो इफ देयर इज अ रॉक सॉन्ग, तो एक दफा ऐसा हुआ, यस दिस वाज वन ऑफ माय फेवरेट इंसिडेंट्स एवर, मैंने और विभोर पराशर इंडियन आइडल के जो कंटेस्टेंट हैं, हम दोनों ने मिलकर एक गाना परफॉर्म किया था, कुछ दो गाने परफॉर्म किए थे, those were rock songs, and the judges were all over, the crowd was all over, and माइक ऐसा मॉल क्रिएट हो गया था जैसे हमने कॉन्सर्ट किया है,
So that was one of my favorite incidents ever. Great. आपने अभी तक किस सिंगर्स के साथ अभी तक गाया परफॉर्म किया है? सिंगर्स के साथ तो सर बहुत सारे, जैसे ऑब्वियसली सबसे पहले तो मेरे पापा के साथ परफॉर्म किया है मैंने जब से मैं 5 साल का था 6 साल का था ऑब्वियसली. और उसके बाद फिर जैसे एक टूर था जिसमें मैंने दीपक पंडित जी जो मेरे चाचा उनके साथ एक टूर किया था जिसमें सुरेश वाडकर सर, तो सुरेश जी के साथ टूर किया मैंने. आई हैव बीन लाइक ऑन द सेम स्टेज एंड इफ यू टॉक अबाउट बीइंग ऑन द सेम स्टेज, सो आई हैव बीन ऑन द सेम स्टेज विद सुपिंदर सिंह सर, सलीम मर्चेंट सर एंड शंकर महादेवन सर, विशाल दलानी सर एंड इनके साथ, मतलब वी वर ऑन द सेम स्टेज. एंड इफ यू टॉक अबाउट सिंगिंग विद देम, सो आई हैव टूर विद नेहा कक्कर, मैं उनके साथ टूर कर रहा हूं आफ्टर इंडियन आइडल, उनके साथ टूर कर रहा हूं एंड शी इज लाइक जेन्युइनली वन ऑफ द humblest megastars ever we have produced in India, I think. Okay. उनके बारे में जितना कहें कम है. So she's been really supportive. वो उनके साथ मैं shows करता हूँ, उनके साथ काम करूँ. And before that मैं राम संपत सर के साथ perform करता हूँ. So yes. एक चीज है, आप दो classical singing is at the base, लेकिन आज प्रदीप जी completely classical और आप वेस्टर्न एंड हिप हॉप एंड ऑल दैट, तो एंड बोथ ऑफ यू आर लिविंग अंडर द सेम रूफ, तो वो मैं कहूंगा बड़े पीसफुल कोएग्जिस्टेंस है. तो आप लोग डेफिनेटली कुछ इस तरह का कोई फ्यूजन किया है जो आप दिखा सकते हैं अभी, कि जहां बाप बेटे के अलावा जो म्यूजिक है आपका, जो फन है, उसको भी कहीं जोड़ा हो. जी जरूर जरूर बिल्कुल. और म्यूजिक तो मुझे लगता है कि ये डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ जॉनर्स होते हैं. जी जी. तो मुझे लगता है कि हर जॉनर को मुझे लगता है गाना चाहिए, समझना चाहिए, सीखना चाहिए. बिल्कुल. और अभी जैसे मान लीजिए गजल है जी. तो कई लोग गजल गाते हैं, हमको उनसे शिकायत नहीं है जी, जी. लेकिन उसको समझ करके गाएं, क्योंकि उसमें शायरी मेन है और तलफ्फुज़ मेन है, गायकी का थोड़ा अंदाज अलग है. बिल्कुल. तो आप कुछ सुनना चाह रहे हैं? मैं बिल्कुल आप दोनों के साथ कुछ. खास साहब की फरमाइश पर ये उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की गाई हुई ठुमरी पेश कर रहे हैं. बहुत अच्छा सर, बहुत बढ़िया.
क्या बात, कुणाल थैंक यू। आपके आने वाले प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं जो नियर फ्यूचर में? जी सर, तो आने वाले प्रोजेक्ट्स मेरा एक लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ सॉन्ग्स जो सिंगल्स के तौर पे मैं रिलीज कर रहा हूं जी। सो देयर इज वन सॉन्ग पुरानी ठुमरी है उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब की, लाखों के बोल, उसे मैंने रिक्रिएट किया है। ओके, देयर इज अनदर गुलाम अली खान साहब गजल रोया करेंगे आप, जो मैंने मेरे पापा के साथ गाया है, मेरे गुरु और मेरे पिता उनके साथ गाया है। और फिर बहुत सारे कोलैब्स हैं, देयर इज वन सॉन्ग जो मैंने सभी के मॉम्स को डेडिकेट किया है, मैंने मेरी माँ के लिए लिखा है, और वो जितनी भी माएं हैं हमारे वर्ल्ड में और इंडिया में खास तौर से, वो सब उनके ऊपर एक गाना लिखा है, एक गाना माँ के ऊपर लिखा है। और देयर आर लॉट्स ऑफ ट्रैक्स सर, मैं चाहूंगा बस उनका साथ रहे, एंड देयर इज अ लॉट कमिंग ऑन इट्स वे पापा के साथ। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। प्रदीप जी, आपकी नेक्स्ट परफॉर्मेंसेस अभी कहां-कहां हैं फ्यूचर में, नियर फ्यूचर में? अभी कुछ अभी फिलहाल सही कहूं तो कुछ बुकिंग्स थी भी है भी जी, जो कि आउट ऑफ इंडिया भी है, और ये कोरोना के चलते हुए कुछ हमारे प्रीवियस जो थे वो पोस्टपोन हो गए थे, पोस्टपोन हो गए। तो अभी जैसे इंडिया में मैं भोपाल जा रहा हूँ, फिर गोवा में भी है, और कुछ ऑस्ट्रेलिया साइड भी कहीं कहीं है, जैसे जैसे तो अभी कुछ जाएगा। हाँ जी सर, फिर ज्यादा मैं अभी ऑडिटोरियम शोज जैसे अच्छे लिस्नर्स है उनके लिए सिलेक्टिव शोज कर रहा हूँ। वेरी गुड सर। कुणाल, आप इतने ट्रूप्स के साथ काम कर रहे हैं और जा रहे हैं शूट के लिए, तो हाउ डू यू मैनेज योर टाइम, क्योंकि ट्रैवल में भी बहुत समय निकलता होगा आपका? जी सर, जब जिस दौरान 2019 तक बहुत ज्यादा, जैसा कि हम सभी बहुत ज्यादा शोज कर रहे थे और बहुत ही ज्यादा लाइक सिचुएशन ऐसी नहीं थी जैसी आज, तो टाइम मैनेजमेंट तो सर जी थोड़ा मुश्किल होता था, क्योंकि मैक्सिमम टाइम स्टोर्स पे होते थे। फिर मुझे जब मैं बाहर होता हूँ तो मैं स्टूडियो को मिस करता हूँ, बट जब मैं स्टूडियो में होता हूँ तो मैं बाहर की दोस्त मिस करता हूँ। तो जी हाँ, मैनेज करना पड़ता है, एंड अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। होल हार्टेडली आई ट्राई टू यू नो गेट इनटू माय स्केड्यूल, व्हेन वी आर, जब हम बाहर अब्रॉड में होते तो स्केड्यूल ऊपर नीचे हो जाता है, बट जी हाँ मैनेज करके अभी तक चल रहा है, इट्स गोइंग गुड सो फार, इट विल बी गुड इंशाल्लाह। और इसमें सबसे बड़ी बात ये कि जो भी फनकार है, क्योंकि लोग बहुत सरप्राइज होते थे कि जब 24 घंटे की जर्नी में यूएस से हम जैसे जाते हैं तो वहां पे जेट लैग हो जाता है, यहाँ दिन है वहां रात है, तो मुझे ये रहता था कि मुझे गाना है कुछ करना है, तो मैं वहां पहुंचने के बाद थोड़े से नींद तो आती थी, लेकिन वो जब आते थे कि प्रदीप जी आइए नीचे कुछ खाना वाना खाना है, कुछ बात करने फिर सो जाना, तो देख रहे हैं कि मैं हारमोनियम निकाल के रियाज कर रहा हूँ, तो हमको है ना रियाज पे प्रैक्टिस पे बहुत ध्यान देना पड़ता है। आर्टिस्ट की लाइफ में मुझे ऐसा लगता है कि अगर एक तरफ मुझे वर्कआउट करना हो, जिम जाना हो, तो मैं जाऊंगा, लेकिन मैं उससे ज्यादा ये सोचूंगा कि नहीं मुझे दो तीन घंटा रियाज ही कर लूं मैं, क्योंकि वो बहुत जरूरी है, तो वो टाइम निकालना भी मुश्किल हो जाता है। प्रदीप जी, मैं विश करता हूँ कि जितना कंट्रीब्यूट आप म्यूजिक इंडस्ट्री में और क्लासिकल सिंगिंग में कर रहे हैं, उससे बहुत बहुत ज्यादा करते रहें हमेशा। और कुणाल, आई विश यू ऑल द बेस्ट, आप तरक्की करें, बहुत आगे जाएं, एंड मेक योर फादर प्राउड फर्दर। एब्सोल्युटली, ऑलवेज ऑलवेज प्लेजर बीइंग हियर ऑन द शो सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच।